अभी हमने बहुत सारे ऐसी परिपथ पढ़े जिनमें से एक ऐसी परिपथ में कुंडली और संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे और उस समय हमें आवृत्ति प्राप्त हुई थी न्यू बराबर वन अपॉन टू पाई रूट अंडर एल सी इस परिपथ में कुंडली और संधारित्र दोनों ही श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़े गए थे और ये आवृत्ति प्राप्त हुई थी लेकिन जब संधारित्र और कुंडली को समांतर क्रम में जोड़े और उसके बाद इनको किसी डीसी स्रोत के साथ जोड़ें उस कंडीशन में भी क्या ऐसी आवृत्ति हमको प्राप्त होगी क्या ऐसे ही दोलन हमको प्राप्त होंगे इस परिपथ में जो संधारित्र की विद्युत ऊर्जा होती है वो कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है और जो कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा होती है वो संधारित्र की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है इस ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है मतलब स्थानांतरण होता है दोनों ऊर्जाओं का एक दूसरे में उसको हम एक एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए इस एनिमेशन को देखते हैं यहाँ पर हम देखें तो एक संधारित्र है जिसकी धारिता सी है और एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व एल है इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ते हुए बैटरी के साथ जोड़ा गया है अब जब बैटरी को सबसे पहले हम संधारित्र के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा इस बैटरी के कारण ये संधारित आवेशित होने लगेगा संधारित्र के दो प्लेट होते हैं जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होगा वो धन आवेशित हो जाएगा और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा इस स्थिति में जो आवेश संधारित्र है उसकी अंदर जो संचित विद्युत ऊर्जा है वो होगी यू ई बराबर वन बाई टू क्यू जीरो स्क्वायर अपॉन सी जहाँ क्यू जीरो आवेश की मात्रा है अब हम इस बैटरी को संधारित्र से अलग कर देते हैं और संधारित्र को कुंडली के साथ जोड़ देते हैं जब कुंडली के साथ संधारित्र जोड़ा जाएगा तो संधारित्र में निरावेशन की प्रक्रिया होने लगेगी संधारित्र सी का कुंडली एल में निरावेशन होने लगता है फलस्वरूप कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे संधारित्र पूरे तरह से निरावेशित हो जाता है और उसके प्लेट के बीच विभव अंतर शून्य हो जाता है क्योंकि आवेश ही नहीं है तो विभव अंतर भी नहीं होगा इस स्थिति में कुंडली में बहने वाली धारा का मान भी अधिकतम हो जाता है क्योंकि जितने आवेश संधारित्र में थे वो पूरे निरावेशित हो चुके हैं और इस स्थिति में कुंडली में बहने वाली का धारा का मान अधिकतम हो जाता है जिसको हम लोग आई जीरो से दर्शाते हैं और जो कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा है वो दी जाएगी यू बी बराबर वन बाई टू एल आई जीरो स्क्वायर से इस स्थिति में संधारित्र में संचित पूर्ण विद्युत ऊर्जा कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है जब संधारित्र का निरावेशन पूर्ण हो जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आने लगती है क्योंकि फ्लक्स क्यों बढ़ रहा था क्योंकि धारा के मान में वृद्धि हो रही थी और धारा के मान में वृद्धि क्यों हो रही थी क्योंकि आवेश संधारित्र से निरावेशित हो रहे थे जब कुंडली के फ्लक्स में कमी आएगी तो यहाँ पे काम करता है लेंच का नियम लेंच के नियम के अनुसार फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसके आधार पर प्रेरित धारा बहती है और धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न हुई है यहाँ पर प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो रही है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आ रही है तो इस कंडीशन में प्रेरित धारा तो बहने लगेगी और ये प्रेरित धारा की दिशा पहले बह रही धारा की दिशा के समान ही होगी और इसके कारण संधारित्र अब विपरीत दिशा में आवेशित होने लगेगा और जो चुंबकीय ऊर्जा है वो धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी और इस प्रकार संधारित्र के पूर्णता आवेशित होने तक ये क्रिया जारी रहती है और संधारित्र के पूर्णता आवेशित हो जाने पर संधारित्र के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा पुनः वन अपॉइंट टू क्यू जीरो स्क्वायर अपॉइंट सी हो जाती है अब संधारित्र में निरावेशन की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होगी और विद्युत ऊर्जा फिर से कुंडली से जुड़े चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी मतलब अब कुंडली की ऊर्जा फिर से वन बाई टू एल आई जीरो स्क्वायर हो जाएगी अतः ये जो प्रक्रिया है संधारित्र के आवेशन और पुनः निरावेशन की वो चलती रहेगी और संधारित्र की विद्युत ऊर्जा कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा में और कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा संधारित्र की विद्युत ऊर्जा में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं और इस प्रकार परिपथ में विद्युत दोलन प्रारंभ हो जाते हैं जिनकी आवृत्ति न्यू बराबर वन अपॉन टू पाई रूट अंडर एल सी से दी जाती है इस फॉर्मूले को हम उस आवृत्ति के फॉर्मूले से कंपेयर करें जिसमें कुंडली और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं यदि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल ना हो तो दोलन का आयाम नियत रहता है और इस प्रकार का दोलन हमको देखने को मिलेगा इसमें आयाम नियत है तो इस दोलन को हम कहते हैं अमंदित दोलन यानी कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है समय के साथ साथ दोलन का आयाम कम होने लगता है और लास्ट में ये शून्य हो जाता है तो इस प्रकार जो वास्तविक दोलन हमें प्राप्त होते हैं वो अवमंदित दोलन होते हैं यानी कि डैम्ड ऑसिलेशन और इस अवमंदित दोलन प्राप्त करने के दो कारण हैं पहला क्योंकि प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध शून्य तो होता नहीं है और इसके कारण ही विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में अपव्यय होने लगती है इस क्षय को कम करने के लिए हम प्रेरक कुंडली जो लिए हैं जिस तार से वो बनी है उस तार को मोटा करें तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और इस क्षय को हम कम कर सकते हैं जो दूसरा कारण है उसे हम देखें तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता और यदि परिपथ का प्रतिरोध शून्य ना हो तो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरित होने लगती है और इसी कारण ये दोलन अवमंदित हो जाते हैं अभी जो हमने वीडियो के द्वारा एल और सी के बीच में विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन देखा उसको हम गणितीय रूप में सिद्ध करते हैं मान लीजिए धारिता का संधारित्र है यह आवेशित होने के बाद उसमें संचित आवेश क्यू जीरो है अब चित्र अनुसार एक प्रेरक कुंडली एल से इसे जोड़ दिया गया है तो संधारित्र पर आवेश कम होने लगता है जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है मान लो किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आवेश क्यू तथा परिपथ में प्रवाहित धारा आई है आवेश धीरे धीरे घट रहा है और धारा बढ़ रही है इसका मतलब धारा का समीकरण होगा आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी और हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन क्योंकि आवेश घटने के कारण धारा यहाँ पर बढ़ रही है इस क्षण पर संधारित्र के सिरों पर विभव अंतर होगा क्यू अपॉन सी और प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभव अंतर होगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी और किरचॉफ के लूप नियम से हम देखें तो ये दोनों विभव अंतर मिलकर शून्य होने चाहिए तो हम लिखेंगे Q अपॉन C माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो और समीकरण एक में मान रखने पर हमको प्राप्त होगा Q अपॉन C माइनस एल डी अपॉन डी टी आई के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस q अपॉन सी इक्वल टू जीरो इस समीकरण को यदि l से भाग दें तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी क्यू इक्वल टू जीरो इस समीकरण का स्वरूप सरल आवर्ती गति के समीकरण के जैसा है यदि सरल आवर्ती गति का समीकरण देखें तो इस प्रकार होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों समीकरणों को हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे जो ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर है वन अपॉन एल सी के तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर बराबर वन अपॉन एल सी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ओमेगा ज़ीरो बराबर वन अपॉन रूट अंडर एल सी और ओमेगा और आवृत्ति में क्या संबंध होता है ओमेगा बराबर टू पाई न्यू होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पाई न्यू जीरो बराबर वन अपॉन रूट अंडर एल सी और न्यू जीरो का मान होगा वन अपॉन टू पाई रूट अंडर एल सी और ये समीकरण है वो विद्युत दोलन के स्वाभाविक यानी कि प्राकृतिक आवृत्ति के लिए है मान लीजिए समीकरण दो को हल करने पर उसका एक हल होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो हल होंगे जिसमें से एक हल होगा q इक्वल टू क्यू ज़ीरो कॉस ओमेगा ज़ीरो टी प्लस फाइव जहाँ क्यू जीरो आवेश का अधिकतम मान है तो समय t ज़ीरो पर q बराबर क्यू ज़ीरो होगा हमने आरंभिक समय लिया है जहाँ पर समय को शून्य लिया है और उस समय आवेश का मान अधिकतम आवेश के बराबर है इस समीकरण में मान रखने पर हमें मिलेगा क्यू ज़ीरो बराबर क्यू ज़ीरो कॉस फाइव और कॉस फाइव बराबर हो जाएगा वन और फाइव बराबर होगा ज़ीरो अब इस मान को समीकरण छः में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा q बराबर क्यू ज़ीरो कॉस ओमेगा ज़ीरो टी जैसा कि हमने आई का समीकरण लिखा था आई बराबर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी क्यू का मान रखते हैं क्यू ज़ीरो कॉस ओमेगा ज़ीरो टी इसको हल करते हैं मतलब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू ज़ीरो एक नियतांक है ये अवकलन से बाहर हो जाएगा कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन यह माइनस पहले से लगा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये समीकरण बनेगा ओमेगा ज़ीरो क्यू ज़ीरो साइन ओमेगा टी और ये क्यू ओमेगा जीरो और क्यू जीरो ये दोनों ही नियतांक है तो इसको एक नया नियतांक दे देते हैं इसको हम मानते हैं आई जीरो के बराबर और ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा ज़ीरो टी ये है इस परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण अब इसमें यांत्रिक और यांत्रिक और वैद्युत राशियों की समतुल्यता को देखते हैं स्प्रिंग से जुड़े पिंड के यांत्रिक दोलन का समीकरण इस प्रकार दिया जाता है ये एक सरल आवर्ती गति का समीकरण होता है तो इसे हम देते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो जहाँ ओमेगा जीरो बराबर रूट अंडर एम है और के स्प्रिंग नियतांक होता है और एम पिंड का मास। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो किसी मास की सहायता से ही उसको खींचा जाता है कोई द्रव्यमान वहाँ पे लगाया जाता है और उसी को हम दे रहे हैं एम से उसी को हम दर्शाते हैं एम से तो एल सी दोलन का समीकरण इस प्रकार होता है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी क्यू इक्वल टू जीरो अब इन दोनों समीकरण को कंपेयर करें हम तो यह विस्थापन x के समतुल्य आवेश Q है यांत्रिक निकाय में F बराबर एम इंटू ए होता है यह हम न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण उस कंडीशन में एम होगा उस कंडीशन में हम लिखते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए त्वरण है यानी कि वेग में परिवर्तन तो हम लिखेंगे एम डी वी अपॉन डी टी वेग होता है विस्थापन बटे समय अंतराल यानी कि दूरी में परिवर्तन तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी तो इस प्रकार समीकरण हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तथा विद्युत निकाय में जो विद्युत विवाह बल ई e होता है वो बराबर है एल डी आई अपॉन डी टी के एक्चुअली माइनस साइन भी रहता है लेकिन यहाँ माइनस साइन केवल विपरीत दिशा का प्रतीक होता है और यहाँ पर हम इसके आंकिक मान को ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एल डी अपन डी टी डी क्यू अपॉन डी टी और ये हो जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर अतः एम द्रव्यमान के समतुल्य प्रेरकत्व एल होता है यांत्रिक निकाय में ओमेगा जीरो बराबर रूट अंडर के अपॉन एम तथा वैद्युत निकाय में ओमेगा जीरो बराबर वन अपॉन रूट अंडर एल सी एम के एल है अतः बल नियतांक के, के समतुल्य धारिता वन अपॉन सी है समीकरण तीन और चार में यांत्रिक निकाय में वेग v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी तथा धारा i बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है अतः वेग के समतुल्य धारा है यांत्रिक निकाय में कुल यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है यानी सब दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है तो e बराबर होता है वन अपॉन के एक्स स्क्वायर ई बराबर होता है वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर जहाँ एम वी स्क्वायर गति ऊर्जा है और हाफ के एक्स स्क्वायर ऊर्जा है विद्युत निकाय में कुल विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्लस चुंबकीय ऊर्जा का योग होगी अतः कुल ऊर्जा बराबर वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन c सी जो कि विद्युत ऊर्जा थी संधारित्र में संचित प्लस वन बाई टू एल आई स्क्वायर ये चुंबकीय ऊर्जा है जो कुंडली में संचित है अतः कुल यांत्रिक ऊर्जा के समतुल्य कुल विद्युत ऊर्जा है